बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साडे दुआ कि साडे बयान बेन अल्लाह तआला खुश रखे, शादोबाद रखे, सेहतमंद करदे। अज दी वीडियो शुरू करन पहले एक छोटी जी गुजारिश, कि बयान बेन मेरा चैनल अज फिर सबसक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल अज फिर सबसक्राइब कर लो, तो बैल का बटन लाजमी प्रेस कर लो, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो तुहाडे तक बार वक्त पहुँचती रहे। करते हैं जी अज दी वीडियो शुरू। अज दी वीडियो कुछ इस तरह जी, तो साडा खाना जिहड़ा वो खराब हो गया। खाना खराब इदां होया कि अज बना रहे सीगे सूजी, तो सूजी जिहड़ी आ वो अग तेज़ होने की वजह तो थोड़ी ख़राब हो गई है। हम टाइम बहुत घट आ साढ़े को, मैं जाना फटाफट बाज़ारों लैके आना कोई चीज़ जहाँ लैके आने। पकौड़े निकलने शुरू हो लो फटाफट हम पकौड़े, तो मैं गया तो आया बाज़ार। पहली दफ़ा होया जी कि बस एक मिनट लग गया, अगे पीछे होए हैं, तो काम साड़ा जरा खराब हो गया। सारी कीती कीती मेहनत जी साड़ी खोज पै गई है जी। चलो अच्छा, पता नहीं की हो चलते हैं बाजार, तो एक मिनट बाजारों चीज़ लैके आ जाए। मैं गया तो आया बस बाजार, ठीक है ना। चलो ठीक है, हाँ जी। अल्लाह का शुक्र होया कि मैं बाजार आया, तो बाजारों मैंने फ्रूट चाट जी है वो टाइम ना बनी बनाई मिल गई, क्योंकि भाई हमें पार्सल करके टाइम ना रख लेंगे है, गाहक ही आ जाए तो उन्होंने पार्सल चक के फटाफट फड़ाई जाते जल्दी जल्दी। रब का बड़ा बड़ा शुक्र होया कि मैं टाइम ना आया तो पार्सल मिल गया। शहर के खड़ा अपने आ गया भाई समोसे को, ये को लेने समोसे लैके तो फटाफट निकलते हैं घर। कस भाई जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हूँ कौन है, मेरा फ्रूट कट्टन वाला पिया सारा जी। शुरू है माशाल्लाह, चलो थोड़ा प्लेटा समान पा लीए। हाँ जी, गंदम की कटाई का मौसम आ, मक्खियां जड़ियाँ बहुत तंग कर रही वा, कोशिश होंगी है यही कोशिश करी दी मक्खियां जो बचाव हो जाए मक्खियां। अच्छा जी माशाल्लाह, अज अफतारी का समान साडा सारा एमरजेंसी से तैयार किया वा, तो ये अच्छ असी बनाए जी पकौड़े, उस तो बाद फ्रूट के नाल है जी समोसे नाल खजूर, मठियाई और पैप्सी, बाकी जड़ी भी चीज़ होगी इंशाल्लाह बाद अपने भैन में दिखाने हैं। तो फ्रूट के बच्चे है जी अंगूर, सेब, केला, माल्टा और हदवाणा, और नाल है जी सारे फ्रूट, कोशिश की सारे फ्रूट सारे सामने ही है, सारे फ्रूट होने नाल। बाकी अल्लाह खैर करे, जिदा आते रोज़ेदार साडे घर दी तैयारी अपने भैन भैन दिखाने। यासीन का सर पे सेहरा सजा, माताब काया कोने सुरमा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ऐ नाम मुहम्मद सल्ले अला तेरे हुस्न व अता का, क्या कहना कुरान उठा कर देख जरा, मालूम तुझे हो जाएगा, कुरान उठा कर देख जरा, मालूम तुझे हो जाएगा, ऐ कौले मुहम्मद कौले खुदा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जब पाया इशा रब ने जो दिया कसरत से दिया, रब ने जो दिया कसरत से दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरे हुस्न व अता का, हम रात को शब भर सोते हैं, हम रात को शब भर सोते हैं, उम्मत के वो गम में रोते हैं, हम रात को शब भर सोते हैं,
उम्मत के वो गम में रोते हैं, हम जुर्म करें वो अफू अता, हम जुर्म करें वो अफू अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मैंने सुनाई नात नबी, जब मैंने सुनाई नात नबी, सुन हो गया नजदी सुनते ही। जब मैंने सुनाई नात नबी, सुन हो गया नजदी सुनते ही। सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खालिक भी साथ फरिश्तों के, भेज दरूदों के तोहफे। खालिक भी साथ फरिश्तों के, भेज दरूदों के तोहफे। ये शान है ये रुतबा है तेरा, ये शान है ये रुतबा है तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ नाम मोहम्मद सल्लल्लाह, मेरे हुस्न का क्या कहना। हजरत मूसा नबी अलैहि सलाम की सलाह लेना जंगल में जा रहे हैं, एक शख्स वेख्या, वह कर लगा सोनिया जी अल्लाह तला की बारगाह चले हो, कि मैं रोज़ ही दुआ मंगना, मेरी दुआ कबूल नहीं होंगी। मैं जिदा हूँ असं बैठे हुए हैं, कोई अजन वेखता खड़ा, कोई अजन वेखता खड़ा, इवें नहीं जो आते दुआ नहीं कबूल होंगी। अल्लाह तला के सोने नबी ने जाके अर्ज की कि या अल्लाह पाक फलां तेरा बंदा वा, तू अर्ज कर रहा कि या अल्लाह पाक मैं बड़ी देर तो दुआवं कर रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं होंगी। फिर अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, तू तो दिल मेरे बारे में नहीं, दिल होर पासे सी, दुआ मेरे को मंग रहा, दिल कितने और सी, दुआ मेरे को मंगता सी। आज जब आप वापस आए तो आपने फरमाया कि दे दिया ऐसे घर खलूसे दिल अल्लाह तला की बारगाह के बच्चे हाजिर हो जाए। क्या मालिक तू सफर तो सफर तक कर रहा, कुछ लोगों ने उद्धम ध्यान किया ना कि मेरा मालिक मेरा तन वाला मौत को दुआ खड़ूसे दिल बस उस वे दुआ करे बई ये आगे अल्लाह तला सामने देख रहे। ठीक है, अल्लाह तबारक तआला का करोड़ा बारी करे कि किस तरह उन्हें सामने की नियम तू नवाज है, किस तरह खाने दिते ने। किन्ने मिनट रह गए जी? अल्लाह तला दिल कर करने जा रहे, दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक ये जिते मैं तेरा जिक्र कर रहा, होर तो कोई बंदा नहीं, कोई नज़र आ रहा मैं तुम जिक्र करता हो। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया जानवरों को, जिन्हें वे ताकतवर जानवर थे कि मेरा जिक्र करो उच्चे बुलंद नाल, वो जनाब उच्ची उच्ची जिक्र करना शुरू कर दिता, तो आप सही दे पै गया। जो अल्लाह पाक भी मैं ही करे तेरा जिक्र करना, अर्ज की अल्लाह पाक ये तो उच्चे है दुनिया के, क्या तेरा जिक्र जी हो रहा है? अल्लाह पाक ने फरमाया कि मूसा सलाम आसा मारो, हजार आदमी आसा मारे तो तुम चश्मा फुटिया, फिर आसा मारिया फिर पत्थर निकलिया, फिर आसा मारिया फिर होर पिछो पत्थर निकलिया, पत्थर चो पत्थर चौथा पत्थर निकलिया, जमीन की तह चो पानी फुटिया, चश्मा बार वो पत्थर निकलिया। आप अल्लाह अर्ज की अल्लाह पाक ये तो पत्थर चो पत्थर निकलिया, फरमाया फिर आसा मार, जो आसा मारिया ना वो खुलिया तो चिड़ी बैठी और अल्लाह तला का जिक्र कर रही। अर्ज की चिड़ी ने पूछन लगे कि ऐ अल्लाह तला की प्यारी चिड़िया, यह दस किन्ना चिर हो गया तेने से? उन्हें कहा ऐ अल्लाह के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने 300 साल हो गए ना मैं इतने इतने ऐसे पत्थर पे और मैं अल्लाह तला का जिक्र कर रही हूँ। आपने फरमाया कि चिड़िया तेन खाने वास्ते की मिलता है? 300 साल भी गुजर चुके हैं इन्नी तहों के पत्थर के बच्चे, तो तू कहनी शायद तू अल्लाह तला का जिक्र कर रही। उन्हें कहा कि अल्लाह तला के नबी प्यारे मूसा, मैनू रोज़ एक बर्तन के पानी पेश किया जाता पर मैं कभी वो मूँह नहीं जुंझ नहीं पाई अपनी। फरमाया क्यों नहीं जुंझ पाई, तू बची किस तरह? उन्हें कहा कि मैं सिर्फ इस वजह तू जुंझ पाँगी कि हो सकता कि मैं अल्लाह तला के जिक्र तो गाफल हो जाव, जो जुंझ पाव मैं मौत ना किसी आ जाए। बस उसी गल से मेरा मेरा जरा ना वजूद, मेरी खुराक, मेरा अल्लाह तला का जिक्र बन गया, वह जिक्र मेरी जिंदगी है, वह जिक्र मेरी हर शह है। मैं खाना पीना भुल गया, मैं कभी उन्होंने वेखिया भी नहीं, मैं बस जिक्र कर रही हूँ कि जितने जो मैं काफल हो जुंझ पाई ना कि मैंने मौत ना आ जाए। यार अफसोस नहीं कि इंसान हो गए असी अशरफुल मखलूकात अल्लाह तआला ने बनाया, जो साडा हिसाब वेख लो भी सामने खा भी रहे पी भी रहे, कोई रोजे रख रहे कोई नहीं रख रहे, तो वजह ही कोई उधर है। पर अल्लाह तआला की जी रहमत हूँ जोश के फरमाया कि मंगो जो जो जी शह मंगो कि मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि रहमत लैके हमीन आया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आले सय्यिदिना। अल्लाह तबारक तआला इस बाग सारे खैर में जिन्होंने भी हिस्सा डाला, इधर रहते हैं जो उधर रहते हैं, गैर मुल्कों में भी रहते हैं, जो भी हमारे जहाँ जहाँ मुसलमान हमारे भाई रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, या अल्लाह सबकी खैर फरमा, महबूब पाक सारे गुलामों की खैर फरमा, जो भी यहाँ आते हैं जो हिस्सा डालते हैं, या अल्लाह पाक सबकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूलियत कबूलियत अता फरमा। अल्लाह ताला तू रहमान है, तू रहीम है, तू इंसान कितनी अजीम है, अल्लाह पाक साहब बीमारों को शिफा, हर मुसाफिर की खैर फरमा, जो बाहर के मुल्कों में हमारे प्यारे इस्लामी भाई रहते हैं, हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, या अल्लाह पाक साहब की खैर फरमा, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद फरमा, अल्लाह पाक इस माहिर प्यारे प्यारे माहिर रमज़ान का अदब अता फरमा, अपने अपने प्यारे महबूब शमेर रोशन फरमा, आने वाली हर उसको फरमा, आने वाला हर नमाज के लिए अल्लाह पाक ये तेरे छोटे छोटे इस्लामी भाई हमारे दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं, सब ही दिए नेकों का सदका, या अल्लाह पाक हमारी इस दुआ को अल्लाह पाक हम पर राजी हो जा, 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 हमारे साथ का तेरे महबूब के सिवा और कोई महबूब नहीं, या अल्लाह पाक पाकी तेरे मंदिर तेरे महबूब के गाते रहते हैं, सुने सबने दुआ सब इस्लाम जिंदा रखी, साडा खात्मा सारे में इस्लाम जाए ना ही जब हमारे इस घर को रहमत बरसता नहीं देखा तो उधर उधर रोगा इतना ना होता है छोटा बच्चा कितनी उम्र है जी रोजा रख के आया मेरा रोजा अच्छा बैठ जा फिर छोटे भाई ऊपर से चला जाओ देखो जी रोजा है जैसा माला इधर हो गए अपनी
नमाज वास्ते तैयारी हो गई है जी, पढ़ दें नमाज, बच्चे वजू कर रहे, बच्चे वजू कर लैन, वजू करके नमाज पढ़ के उस तो बाद खाना दें।